जीरो एक्सेप्टेशन के साथ मैं इस मूवी को देखने गया था और सरप्राइज क्या किया है बॉस इस मूवी ने। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं किल मूवी के बारे में, जिसकी लेंथ तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के आसपास है और ये मूवी मोस्ट अवेटेड तो नहीं थी लेकिन मोस्ट पॉपुलर जरूर बनने वाली है। हाँ, बात करेंगे इस मूवी में क्या अच्छा है, क्या इसके अंदर कमियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी कहानी की हम चर्चा कर लेते हैं। एक एनएसजी कमांडो है जिसका नाम होता है अमृत। वो अपनी जीएफ यानी कि तुलिका से मिलने जाता है क्योंकि तुलिका की किसी और से शादी होने वाली होती है और ये दोनों जो है वो एक ट्रेन में मिलते हैं जहां पर 40 से 50 जो डकैत है वो हमला कर देते हैं। अब अमृत जो है वो अपनी जीएफ यानी कि जो तुलिका है उसकी जान कैसे बचाता है, अपनी जान कैसे बचाता है या बचा पाता है भी नहीं, ये सारी चीजें जो है आपको तभी पता चलेंगी जब आप ये मूवी देखोगे। आप सोचोगे यार ये तो कोई बढ़िया स्टोरी नहीं हुई, आपने तो बस बता दिया एक जो है कमांडो आएगा अपनी जीएफ को बचा लेगा, बस इसमें हमें नया क्या देखने को मिल गया, मतलब वही पुरानी सी घिसी पिटी बॉलीवुड की लव स्टोरी देखने को मिल गई, इसमें नया क्या है। हाँ, बात करेंगे नया क्या है, क्या इसके अंदर कमियां हैं। मुझे देखो यार कोई मूवी जो एक्शन या जो कॉमेडी होती है वो इतनी आसानी से पसंद नहीं आती है और जो पसंद आती है यार उसकी दिल से तारीफ करने में मैं पीछे भी नहीं हटता हूँ। जो ये मूवी है वाकई में इसके अंदर जो एक्शन है, मेन जो जान इस मूवी की है वो इसके एक्शन ही है। मेन समझ लो जो यूएसपी कहते हैं यार, जो मेन यूएसपी क्या है, वॉयलेंस है, इसका क्या वॉयलेंस ही है वाकई में। 40 से 50 लड़के ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, उनको रोकने के लिए सिर्फ 2 एनएसजी कमांडो होते हैं और जिस तरीके की फाइटिंग, जिस तरीके एक्शन सीक्वेंस इसके अंदर दिखाए गए वो पुराने बॉलीवुड तरीके से नहीं, जैसे आपने बड़े मियां छोटे मियां मूवी देखी थी बस कैमरा ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया बस हो गए एक्शन, ना 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 भाई साहब प्रॉपर एक्शन दिखाए हैं। जो इस तरीके के इस कदर के एक्शन है आपका एड्रेनलिन हाई हो जाएगा, आप बस थिएटर में अपने आप पे कंट्रोल करने लगा, कहीं आप उठ के ही कहीं अपने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर दो, आपके अंदर ही एक्शन का भूत जग जाए, इस कदर के एक्शन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एक सिंपल लव स्टोरी के साथ एक जबरदस्त एक्शन है इस मूवी के अंदर और सच में जैसे मैंने कहा यार कोई मूवी जो एक्शन से रिलेटेड होती है या कॉमेडी से रिलेटेड होती है वो इतनी आसानी से पसंद नहीं आती मुझे, बड़ा ही चूजी टाइप का इंसान हूं। और वाकई में इसके अंदर जो एक्शन है उनकी प्रशंसा करनी बनती है और इसके जो मेकर्स हैं इस मूवी के अगर उनके काम की सराहना नहीं की जाएगी तो आने वाले टाइम में वो और काम बेहतर कैसे करेंगे, मतलब हमारे लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट कैसे लेके आएंगे। यार उनके काम को महत्व या फिर उनके जो जिन्होंने काम किया उनकी प्रशंसा करना बनता है यार, फिर क्या ही फायदा रह जाएगा बढ़िया काम करने का, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मूवी के जो एक्शन है वो बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होने देते। प्लस पॉइंट जो इस मूवी का मुझे लगा, जो इसका जो टाइमिंग है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास इस मूवी की लेंथ रखना, जो वाकई में किसी भी चीज को ऐसा नहीं लगता इसमें कोई चीज जबरदस्ती घुसेड़ी गई है, किसी भी चीज को खींचा जा रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। इसमें इमोशनल एंगल भी देखने को मिलता है एक प्यार की तरफ से, दोस्ती की तरफ से, वो वाकई में इमोशनल कर देते हैं। 40 मिनट या फिर कह लो कि क्लाइमेक्स के बाद यानी हाफ मूवी की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर हमें एक एक्शन ऐसे देखने को मिलते हैं, जो अमृत होता है वो गुंडों को मार तो रहा है, डकैत को मार तो रहा है लेकिन उनको जान से नहीं मार रहा, उनकी धुलाई बहुत कर रहा है, लेकिन जैसे क्लाइमेक्स आता है उसके बाद जो वो कत्ल करना स्टार्ट करता है एक तरीके से समझो कि नेक्स्ट लेवल एक्शन चले जाते हैं। अब आप सोचो कि यार क्या जो क्लाइमेक्स से पहले वाले एक्शन थे वो इतने खास नहीं थे क्या, वो भी थे, वो बहुत बढ़िया थे, लेकिन आपको अलग लेवल का एक्शन और देखने को मिलता है क्लाइमेक्स के बाद, मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं आप एक पल के लिए भी अपनी आंखें स्क्रीन से नहीं हटा पाओगे, आप मिस नहीं कर पाओगे ये चीज कैसे हो रही है, इसको कैसे किया जा रहा है। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इसके अंदर और लगी कि वो इसके अंदर कैमरा वर्क जैसे किया गया है, वाकई में यार आप रेल के अंदर पूरी मूवी जो है वो रेल के अंदर निकल जाती है, स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक कैंप फाइटिंग जिसके अंदर हो रही है, आप सोचिए कैमरा वर्क कैसे किया गया होगा, वो कमाल का यार, हैट्स ऑफ इस चीज को जो उन्होंने जो टीम है कैमरा वर्क उन्होंने जो जितने बढ़िया तरीके से किया है, वाकई में बहुत बढ़िया चीजें हमारे सामने प्रस्तुत किए उन्होंने। परफॉर्मेंस की बात करूं तो हाँ सब ने अपना काम अच्छा किया है, जो इसके अंदर मेन कलाकार हैं अक्षय लक्ष्य जिनका नाम है उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है, उनकी उनके एक्शन जो है वो वाकई में बढ़िया, उनका फिजिक जो है जिस तरीके के उनको चुना गया वो वाकई में बढ़िया लगा है वहां पर। और एक जो विलन है यहाँ पर राघव जुयाल शायद मैंने उनका नाम सही से लिया, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। और एक जो चीज मुझे अच्छी लगी इस मूवी के मेकर्स की कि उन्होंने डकैत जो है उनके ऊपर भी फोकस किया, ये दिखाया गया कि डकैत जो है वो भी एक परिवार है, अपने परिवार के किसी सदस्य के मरने पे उनको काफी ज्यादा गम होता है, उनके अंदर गुस्सा पनपता है, वाकई में वो एक समझो कि मूवी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का एक और कदम था, वो बढ़िया लगा मुझे काफी। जो इसके अंदर कमियां हैं ये तो हो गई इसकी अच्छी अच्छी बातें, अब अगर कमियों की बात करें तो देखो इस मूवी में आप सोच रहे हो कि हमें बहुत बढ़िया लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है, तो नहीं ऐसा नहीं है, कोई सॉन्ग नहीं है इस मूवी के अंदर, बहुत स्पीड से मूवी चलती है और ये यंगस्टर के लिए है। कोई आप सोचो कि यार मुझे एक थोड़ी बहुत कोई वॉयलेंस नहीं देखना है, कोई किलिंग नहीं देखना है, तो ऐसा नहीं है, किल जो इसका नाम है वाकई में किल ही है, मतलब लोगों को मारा ही जा रहा है, तो शायद ये यंगस्टर के अलावा शायद दूसरे जो लोग हैं उनको ये पसंद आए, मुझे तो नहीं लगता। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज कमेंट करना,
करना कि कैसी लगी आपको। अगर नहीं देखी है, अगर आपके आसपास के थिएटर में लगी है तो जाकर देखो। किस चीज का वेट कर रहे हो, बच्चों को मत लेके जाना, बस अडल्ट इस मूवी को देखें जो खासकर यंगस्टर हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।